महादेव दोस्तों, क्या आपको पता है बनारस में कितने घाट हैं? 88 घाट। लेकिन इन घाटों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी संख्या में अब एक नया घाट जुड़ा है जिसका नाम है सामने घाट। यह घाट इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि सारे धार्मिक काम इसी घाट से होते थे। लेकिन घाट के पक्के ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफी असुविधा होती थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने एक नए घाट के निर्माण के साथ यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं दी हैं। पक्का घाट बन जाने की वजह से यहाँ के लोगों को अपने धार्मिक काम करने में काफी सुविधा होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको इसी घाट के निर्माण की स्थिति दिखाने वाला हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं चैनल प्रताप वर्ष। वाराणसी में घाटों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वाराणसी को एक और नए घाट की सौगात मिली है जिसका नाम है सामने घाट। सामने घाट इस एरिया का नाम है और इस इलाके में घाट की जरूरत जो है वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक श्रद्धालु रहते हैं और बाहर से भी आते हैं जो घाटों पे लगातार किसी न किसी पूजा पाठ के कामों के लिए आया करते थे। लेकिन प्रॉपर घाट न होने की वजह से यहाँ बहुत असुविधा होती थी। लेकिन अब एक पक्के घाट का निर्माण हो जाने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। तो इस पक्के घाट के निर्माण का क्या स्वरूप है इस समय और कैसा काम प्रोग्रेस चल रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आइए जरा मैं आपको दिखाऊँ कि घाट इस समय कैसा बन रहा है। इस क्रेन से ये बारी बारी एक एक पत्थर उठा के ऊपर दिया जा रहा है। ये एक ऐसे ही डिज़ाइन बनाया जा रहा है घाट पे और ऐसे ही कई और भी बनेंगे। जैसे एक ये है, एक देखिए वहाँ पर बन रहा है, अभी आगे भी वहाँ पर भी बन रहा है, वहाँ भी मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर काम चला था तो एक बार दिखा दो सोचें। इस तरह देखिए ये घाट का जस्ट आखिरी पोर्शन बन रहा है, अभी इसके आगे का कोई प्लानिंग नहीं है, लगभग यहीं तक बन के ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे भी देखिए इंटरलॉकिंग लगाते हैं या चाहे जो भी हो। देखिए इस तरीके के डिज़ाइन वाले पत्थर आए हैं और ये पूरा डिज़ाइन इसी में तैयार हो रहा है यहाँ पर। और इसी क्रेन से बारी बारी एक एक पत्थर उठा के यहाँ ऊपर दिया जा रहा है। तो ये वाले पोर्शन अभी भरे जाएंगे और इस पे से अगर चल के दिखाएं तो ऐसा कुछ लग रहा है इस समय। ये सब अभी सिर्फ भर दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ होना नहीं है। अभी नीचे की सीढ़ियाँ बाकी हैं जैसा कि आप वहाँ पर देख रहे हैं, उस तरफ हल्का सा काम चल रहा है। ये जो स्लोप बन रहा है वो स्लोप पे पहले पत्थर लगाया जाएगा फिर ढार बना के आगे सीढ़ी चलाई जाएगी। और इस तरफ दिखाऊँ तो अभी नज़दीक लेके चलता हूँ, लेकिन ये दो तो चेंजिंग रूम है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ऐसे एक डिज़ाइन, दो डिज़ाइन अभी आगे भी और बनना है। ठंडी के हिसाब से मौसम भी उतनी खूबसूरत बना हुआ है, पूरा कोहरा है, सामने घाट का पुल भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा अच्छे से। यहाँ पर देखिए पत्थर लगाने का काम अभी चल रहा है, ये लास्ट है लगभग, इसके बाद कोई रो आना नहीं है, यहीं पर जितना रहेगा उतना रहेगा। ये देखिए जैसा उधर पीछे एक डिज़ाइन दिया गया है वैसे यहाँ पर भी एक डिज़ाइनगर रेस्ट रूम, वेटिंग रूम, जिस तरीके से आप बोल दीजिए। देखिए ये अच्छा लगता है ना, कोई भी पत्थर लगा है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिज़ाइन डिज़ाइन बना दिए जाते हैं तो अच्छा लगता है, एक आर्किटेक्चर दिखता है। सादा पत्थर का क्या मतलब है, आइए मैं आपको एक बार और दिखाऊं कि कैसे कैसे पत्थर आए हुए हैं इस समय। देखिए अभी ये सब बनने के लिए ये सब डिज़ाइन वाले भी आए, जैसे वो अभी बन रहा है वहाँ पर ना, उसको चाहे आप जो नाम दे दीजिए मैं तो समझ नहीं पा रहा उसको क्या बोलूँ मैं। ऐसे एक डिज़ाइन बनाया गया है, देखिए ये वाला भी, ये तो जैसे ऊपर, हाँ नहीं मतलब जो डिज़ाइन बनेगा उसी के ऊपर रखने के लिए वैसा कुछ है। इधर भी देखिए सारे पत्थर हैं अलग अलग डिज़ाइन के। तो जैसा मैं आपको दिखाया अभी जो वहाँ पे बन रहा है ना वैसे ही अभी ये जो आप गोलका वाला देख रहे हैं ना, गोला वाला सॉरी, यहाँ पे भी बनना है। तो जैसा वो बन रहा है वैसे ही सेम एक यहाँ भी बनेगा और उसी के लिए देखिए यहाँ पे भी और पत्थर आए हुए हैं, नीचे भी बनेगा। देखिए पिलर्स हैं सब अभी आए हुए हैं, यहाँ पे देखिए सारा सामान रखा हुआ है। ये वाला पोर्शन पे अभी इंटरलॉकिंग लग सकता है या सिंपल पत्थर पड़ सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो भी अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट काम क्या होना है। देखिए इनका कहना है कि ये जो पिलर आ रहा है, इन लोग का कहना है जो काम कर रहे हैं कि ये जो पिलर आ रहा है बस ये लास्ट है, अभी इन लोग का काम सिर्फ यहीं तक है, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होना है अभी इनको लोगों को भी नहीं पता, कह रहे हैं हो सकता है इंटरलॉकिंग हो सकता है कुछ और हो,
अभी के एक डिज़ाइन अभी इस पर भी बनना है, ये वाले पे। उसी का सामान पीछे मैं आपको दिखाया। ऐसा कुछ लग रहा है ये वाला घाट इस समय। पहले मैं सबको बता दूं कि पहले ये सिर्फ ऐसे मिट्टी टाइप का हुआ करता था, ऐसे ढाल टाइप का, लेकिन ये है कि इस जगह, इस घाट का महत्व बहुत ज़्यादा है। हर प्रोग्राम में आस पड़ोस के सामने घाट एरिया के रहने वाले सभी लोग इसी घाट पर आते थे, इसलिए यहाँ एक पक्के घाट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। तो इस घाट के बनने से सामने घाट स्थित लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये देखिए, इधर जो पत्थर का हल्का फुल्का काम बाकी है वो बाकी है, और ये जो इसको तो भरना है सिर्फ अभी। अब देखिए, पहले रास्ता कुछ इस प्रकार नहीं था, अभी ये देखिए पूरा रास्ता बना दिया गया है इस तरफ घाट जाने के लिए। इधर भी देखिए फाइनल पत्थर लगाने का काम बाकी है इस तरफ, और एक डिज़ाइन देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है इस तरीके का। ये इस तरफ है हज हाउस। हज हाउस आप लोग जानते ही हैं किसे बोला जाता है। और ये देखिए इधर पे एक डिज़ाइन बनाया गया है, अच्छा आर्किटेक्चर है, मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी देने में। इस तरफ देखिए ये अपना आर्किटेक्चर वाला पूरा डिज़ाइन रेडी है। जेटी का सामान जा रहा है। एक चीज़ मेरे को भी नहीं समझ में आ रही कि ये जेटी बड़ा आगे तक है, वहाँ तक है जेटी, इसका कारण क्या है पता नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लगातार जो है, ये देख रहे हैं ये सब जेटी बनाने का वो है सामान, और अभी भी जेटी जो है लगातार बन रही है, रुक नहीं रही है जेटी। और ये बन रहा है सामने चेंजिंग रूम, देखिए यहाँ पे चेंजिंग रूम बन रहा है। अभी शायद हो सकता है काम के लिए ही ये जेटी इतनी बड़ी बनाई गई हो वहाँ आगे तक। आपका ऊपर सामने घाट का पुल है, लेकिन ये जेटी अभी वहाँ तक क्यों है मुझे इसका बहुत कंफर्म आइडिया नहीं है, पता करते अगर कोई बता दे तो। तो दोस्तों पूछने पे पता चला है कि ये वाला जो जेटी है ये तो किसी घाट के लिए बन रहा है, वहाँ पे चेंजिंग रूम बन रहा है, यहाँ पे भी चेंजिंग रूम बनेगा, और जो वो वाला जेटी है वो दूसरे घाट पे जाने के लिए बन रहा है, वो अभी फ़िलहाल वहीं पे कंस्ट्रक्ट होगा, उसके बाद बता रहे हैं कि आगे की तरफ जाएगा। और ये है डिज़ाइन मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड बाई दास एंड कुमार्स, महमूरगंज वाराणसी, बनारस से ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, मतलब कहीं बाहर से नहीं आया है, बनारस के ही लोग इसको बना के दिए, बहुत अच्छी बात। यहाँ से मैं एक बार घाट दिखा दूँ कैसा लग रहा है पूरा। ये देखिए अभी यहाँ पे पत्थर लगवाई का काम चालू है इस पोर्शन की। अरे मैया बज गया इधर फिसल गया था। अभी ये मिट्टी से पूरा भरा जाएगा, लेकिन अभी इसकी हाइट और आएगी, जितना हाइट उसका है उसी तरह इसका आएगा, उसी तरह इसका आएगा, फिर आगे जाएगा। अभी जिस पोर्शन पे मैं चल रहा हूँ उस पर जस्ट अभी एकदम ताज़ा पत्थर लगा है। देखिए इधर अभी काम बाकी है, इधर अभी पत्थर नहीं लगा है जिसमें मैं चल रहा हूँ, अभी इधर खाली लगा है, और उसी तरह आगे भी लग रहा है वहाँ पे। कि पहले किसी चीज़ को रोकने का इंतजाम होता है ना, फिर वहाँ से सीढ़ी बनेगी और उसके बाद ये फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये फिट कर दिया जाएगा तो सीढ़ी बनाने में दिक्कत होगी। तो पहले नीचे का बेस बन जाएगा, सीढ़ी उसके बेस से आ जाएगी, और जब सीढ़ी एक बार यहाँ आ जाएगी तो फिर इसके और इसके बीच का जो गैप जंक्शन है उसको सेट करके आराम से पत्थर लगा दिया जाएगा। आइए एक बार आपको चेंजिंग रूम दिखाते हैं कैसा है। इस पर भी डिज़ाइन बना हुआ है, देखिए इस पर पूरा डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी बना हुआ है, और अंदर से ये कुछ ऐसा लग रहा है, अच्छा है, बढ़िया चेंजिंग रूम है। बारिश बाढ़ आएगा तो कम से कम टिका तो रहेगा, ये तो नहीं कि पता चला बह बह के निकल जाए। यहाँ पत्थर लगाया जा रहा है, पत्थर क्या लगाया जा रहा है, सीढ़ी बन रही है अभी यहाँ पे। देखिए एक एक पत्थर लगाने के लिए कितनी मेहनत, ये नहीं उठाया लाया लगा दिया। अब आप सोचिए कि वो एक पत्थर की मेहनत इतनी है तो फिर पूरे घाट की मेहनत कितनी है। ये इधर
एक एक पत्थर के साथ। और आदमी पूछता है कि यार बहुत टाइम लग रहा है, अभी ऐसे ऐसे काम होगा तो टाइम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। अब देखिए वो पत्थर वहाँ से क्रेन लेके आ रही है। सावधानी से रखा जा रहा है, इधर उधर हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसके नीचे पत्थर लगा रहे हैं ताकि जब उठाना हो तो आराम से उड़ जाए। आराम से यहीं से सारे पत्थर जो है, क्योंकि यहाँ पे सारे पत्थर आते हैं, यहीं से पत्थर बांधे जाते हैं, यहाँ से जेसीबी बांधा जाता है, फिर ये जेसीबी नीचे से होते हुए वहाँ आगे तक लेके जाता है। तो दोस्तों ये था सामने घाट का अभी तक का अपडेट। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।